सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ओस्टर मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं, आपने प्लान कर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको ए टू जेड पूरी जानकारी हो पाए। आपको पता होना चाहिए कि ओस्टर मशरूम की खेती करने के लिए आपको कमरे की जरूरत पड़ती है या शेड की जरूरत पड़ती है, और उसको बनाने में आपने कोई भी लापरवाही किया तो जब भी आप मशरूम की फार्मिंग शुरू करेंगे उसमें तो कीड़े पड़ने लगते हैं या बहुत सारी बीमारियां आती है जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब आप शेड की बात करते हैं तो दो बातें सामने आती है, या तो आपके पास पहले से कोई कमरा खाली घर में पड़ा हुआ है, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको शेड बनाने की जरूरत नहीं है, आपका उसमें खर्चा भी बच जाएगा। दूसरी बात यह कि आपके पास कच्चा या पक्का मकान नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको झुग्गी बनाना चाहिए। प्रायोरिटी आप झुग्गी पे इसलिए दीजिए, झुग्गी का मतलब होता है मड़ई भी बोलते हैं कुछ जगह, आप इस तरह से घर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते पहली बार में ही कि कच्चा या पक्का मकान बना ले इसके लिए, तो आप मकान बनाना चाहते तो बना सकते हैं, वो भी आपके लिए सही है, वो परमानेंट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए मैं राय यही दूंगा कि शुरुआती दौर पे आप झुग्गी बनाइए। झुग्गी का जो साइज लीजिए आप, स्टैंडर्ड साइज 30x60 होता है, लेकिन शुरुआती दौर पे आप 15x30 या 20x40 भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको बांस, बल्ली और रस्सी की जरूरत पड़ेगी, धान का पारा या गन्ने का पारा या सरपत या कुशा वगैरह जो नहरों के आसपास मिलता है, या घास फूस का सहारा लेकर के आप जो है झुग्गी बना सकते हैं। झुग्गी बनाने में ध्यान रखने वाली बातें जो है वो नोट कर लीजिए। झुग्गी जब भी आप बनाएंगे, जो आप ऊपर से छावनी करेंगे पायरा का, उसके ऊपर पॉलिथीन का एक जो है परत होना चाहिए, एक ऊपर से और एक पायरा का जस्ट नीचे से भी होना चाहिए। इसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप पॉलिथीन लगा देंगे तो जब भी बारिश वगैरह होगा तो पानी जो है फार्म के अंदर नहीं जाएगा, कमरे के अंदर नहीं जाएगा, तो वो ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉलिथीन इसलिए लगाने के लिए मैंने बोला कि जो पारा होता है या घास फूस जो आप लगाते हैं छावनी बनाने के लिए, उसके बीच में जो कीड़े मकोड़े होंगे, विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलाने वाले, वो सारे पॉलिथीन की गर्मी से, चूंकि वो बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, दोनों तरफ से पॉलिथीन लगा होगा तो उसमें गर्मी पैदा होगी तो कीड़े सारे मर जाएंगे उसमें, तो इससे आपका रूम का ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरा है कि रूम का ट्रीटमेंट जो है, आपने जो कमरा तैयार किया है, चाहे वो कच्चा पक्का मकान हो, चाहे आपका जो है जो झुग्गी बनाया है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। रूम का ट्रीटमेंट अगर आपने नहीं किया तो आप कीड़े पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और बीमारी भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रूम का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है इसके पहले, मशरूम में कीड़े को भगाने के लिए तरीका, तो उसको जाकर देखिएगा, उसमें जो है रूम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसको प्रॉपर डिटेल में बताया गया है, कौन सी दवा कैसे इस्तेमाल करी जाती है, आप उसको देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और कौन से पॉइंट्स हैं उसको बता दूं आपको। जहां भी आप शेड बनाएंगे वहां पर जो है हवा का आदान प्रदान होना चाहिए उस कमरे में, यानी जहां पे सपोज आपने जो भी बनाया फार्म, जो भी आपने झुग्गी बनाया, सामने तो एक गेट होगा जहां से हवा जा सकती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रोशनदान या खुली कुछ ऐसा झरोखा होना चाहिए जिससे हवा पास हो सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ सामने सामने गेट के पास से एंट्री है और एग्जिट भी है, उस कंडीशन में आपके मशरूम में जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में जो है दिक्कत आती है कंट्रोल करने में, और एयर भी देने में दिक्कत आती है। तो एयर जो है पास करने के लिए सामने अगर गेट है तो उसके पीछे साइड में या बगल की दीवार जो भी होंगी, कहीं ना कहीं एयर पास होने के लिए जगह आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कमरे में कर रहे हैं, आपके पास पहले से कोई कमरा है, बिल्कुल घर के अंदर है और उसमें एयर पास होने का जगह नहीं है, तो उसमें आप बिल्कुल भी खेती नहीं कर सकते हैं और प्रोडक्शन सही नहीं कर पाएंगे आप, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि आपके पास थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर होना ही चाहिए, टेम्परेचर माप के और ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है उसे माप के ही आप सही जानकारी ले पाएंगे। अंदाजा लगा के अगर आप मशरूम की फार्मिंग करेंगे तो एक झटके में 24 घंटे के अंदर जो है मशरूम खराब हो जाता है अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही किया। तो हाइग्रोमीटर थर्मोमीटर बहुत महंगा नहीं पड़ता है, इसको जरूर रखिएगा फार्म में, जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। बंबू का, अगर आप बांस का जो है बना रहे हैं झुग्गी पारा वगैरह के सहयोग से, तो ध्यान रखिएगा कि पारा वगैरह जहां भी बनाया जाता है वहां कीड़े पड़ते हैं, तो कीड़े के लिए जो ट्रीटमेंट का तरीका है मैंने बता दिया आपको, फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ट्रीटमेंट सही तरीके से करिएगा, और जो तरीका है वो जानने के लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है मशरूम में पड़े कीड़े को कैसे भगाएं, और उसको जाकर जरूर देखिएगा, उसमें ट्रीटमेंट करने का पूरा तरीका बताया गया है,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो ह्यूमिडिटी बताया मैंने आपको माप करने के लिए, हाइग्रोमीटर और थर्मोमीटर बताया टेम्परेचर माप करने के लिए, ये जरूर रखिएगा। और एयर पास होने के लिए उस वहाँ पे जो है प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, और लाइट का भी व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ भी आप मशरूम की फार्मिंग करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे पूरी रात जो है लाइट ही ना हो। लाइट जो है बीच बीच में उसमें होना चाहिए। अगर चारों तरफ से आपने ढक रखा है, मशरूम की फार्मिंग जहां भी होती है पूरा गेट वगैरह बंद कर दिया जाता है, आपको पता है एयर देने के लिए आप 1-2 घंटे सुबह शाम एयर देते हैं, तो लाइट भी इसी तरह से 2-3 घंटे आपको 24 घंटे में 1-2 बार देना पड़ेगा। अगर आप लाइट की व्यवस्था उसमें नहीं किए हैं तो भी मशरूम का ग्रोथ रुकता है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो मशरूम का प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होता है, बीमारी नहीं आती है और आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये पॉइंट जो था मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। अगर इस पे भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।